नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता, जो कि एक एंडोकाइनोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में आपसे डिस्कस किया है कि हम लोग एंडोकाइनोलॉजिस्ट जो होता है डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करते हैं या उनको ट्रीट करते हैं। हमने एक वादा किया था कि हम डायबिटीज़ के बारे में एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें डायबिटीज़ क्या है से लेकर काफ़ी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो उसी में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि डायबिटीज़ आखिरकार है क्या चीज़। हर किसी के मन में सवाल आता है कि ये डायबिटीज़ हर जगह जहाँ भी जाओ डायबिटीज़ की बात हो रही होती है, हर घर में शुगर हो रही है, क्या है क्या चीज़, बेसिकली कब हमें डायबिटीज़ कहेंगे या किसी भी रीडिंग पर हम इसको डायबिटीज़ कह सकते हैं। तो डायबिटीज़ क्या है? सबसे पहले हमें सभी को पता है कि डायबिटीज़ शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाने को हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो ऐसी कौन सी रीडिंग है जब हम कह देंगे कि ये डायबिटीज़ हो गई है, और ये रीडिंग्स कहाँ से आई, कैसे डिस्कस हुआ कि इसे हम डायबिटीज़ कह देंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शुगर शरीर में किस तरह से होती है। जैसे कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। एक निर्धारित मात्रा तक जो ग्लूकोज होता है वो शरीर में रहता है और वो हमें कोई हार्म नहीं करता। बट अगर वो निर्धारित मात्रा से ज़्यादा बढ़ने लग जाए, वो क्यों बढ़े कि या तो इंसुलिन काम करना बंद कर दे, हमारे शरीर में इंसुलिन बनता तो है बट वो काम नहीं करता है तो शरीर में निर्धारित मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए तो भी शरीर में शुगर बढ़ जाएगी। अब ये शुगर बढ़ जाने से क्या होगा कि जब शुगर बढ़ जाएगी तो शुगर को हम इस तरह से देखें कि इंसुलिन एज ए चाबी की तरह काम करता है और शुगर एनर्जी सब्सटेंस है। हर शरीर की कोशिका को इंसुलिन अपनी उस चाबी से सेल में ट्रांसफ़र करता है। बट अगर इंसुलिन काम नहीं करेगा तो शुगर ब्लड में इकट्ठी होने लगती है और ये शरीर के लिए हार्मफुल होती है। तो अब लेवल्स कैसे डिसाइड हुए कि ये शुगर में कि 200 के ऊपर या 126 के ऊपर, ये लेवल्स कहाँ से आए? सबसे पहले हम लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह की रीडिंग्स हम मान के चलते हैं। तो खाली पेट की शुगर, खाली पेट की शुगर का मतलब है एटलीस्ट नो कैलोरी इनटेक या कोई भी खाना या कोई भी सब्सटेंस जो एनर्जी बढ़ाते हैं 8 घंटे तक नहीं लिए हुए हों, उसके बाद जो शुगर नापी जाती है उसको हम खाली पेट की शुगर कहते हैं या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। दूसरी शुगर होती है खाने के 2 घंटे बाद की शुगर। यूजुअली डायग्नोसिस के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पिला के टेस्ट करते हैं। तो जो खाली पेट की शुगर अगर 126 से ज़्यादा हो जाए और खाने के बाद की शुगर 200 से ज़्यादा हो जाए, और एक 3 मंथ की एवरेज ब्लड शुगर होती है HbA1c, जिनके भी घर में डायबिटीज़ है उन लोगों को इसके टेस्ट के बारे में पता है, अगर वो 6.5 हो जाए तो हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो क्या कोई भी सिंगल रीडिंग इस रेंज में आ गई तो हम डायबिटीज़ कह देंगे? नहीं, कोई भी सिंगल रीडिंग पर हम डायबिटीज़ नहीं कहते। एटलीस्ट 2 रीडिंग होनी चाहिए, या तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के साथ में HbA1c बढ़ा हुआ हो, या 2 बार फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बढ़ी हुई हो, या फिर पोस्ट मील ग्लूकोज है वो बढ़ी हुई हो। अब ये रीडिंग्स कैसे आई? देखा गया कि इस रीडिंग्स के बाद एक ग्राफ बनाया गया कि इस रीडिंग्स के बाद जो भी जिनकी भी शुगर रीडिंग्स इस रीडिंग से ज़्यादा रहती है उनको डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और सभी को पता है कि जब शरीर में शुगर की मात्रा होती है तो डायबिटीज़ हमारे शरीर के अंगों पर असर डालती है, जिसमें अंग है कि आँखों पर असर डालती है, पैरालिसिस भी कर सकती है, लकवे की शिकायत जिसे हम कहते हैं, या फिर हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है, न्यूरोपैथी करके पैरों में तलवों में जलन होने लगती है, और किडनी पर असर डालती है। कुल मिला के डायबिटीज़ दीमक की तरह है। तो इसीलिए काफ़ी लंबे समय से कोशिशें की जा रही है कि कैसा लेवल पता हो जाए जिसके ऊपर डायबिटीज़ बढ़ जाने पर रिस्क बढ़ जाती है और हम उसको टारगेट को करके चलें कि इसके नीचे हमें शुगर रखनी है। तो ये तो हुए हमारे डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के मार्कर्स पर। हाँ, एक प्री डायबिटीज़ और कंडीशन होती है। ये क्या चीज़ है? यह है कि नहीं डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के बीच की चीज़, इसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। इसके लिए जो रीडिंग्स डिसाइडेड है वो है खाली पेट की शुगर, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 से 126, और खाने के बाद की शुगर 140 से 200 के बीच में, और 3 मंथ की एवरेज 5.7 टू 6.5 के बीच में। ये रीडिंग्स इसलिए डिसाइड गए कि प्री डायबिटीज़ वो स्टेज है जिसे हम कहें कि या तो अर्ली स्टेज, कैंसर की अर्ली स्टेज इस तरह से होती है, अगर इसी समय पर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो इसको हम इसी समय पर दबा सकते हैं। इसीलिए प्री डायबिटीज़ कंसेप्ट चलन में आया कि प्री डायबिटीज़ में हम पेशेंट को पकड़ सकें और उसी समय पर उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करके या फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसको बेटर प्रिवेंशन कर सकें कॉम्प्लिकेशन से, डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद भी हम डायबिटीज़ के एक एक बारीकी पॉइंट पर आगे के कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।
इसी के लिए आप हमारे ये चैनल्स देखते रहिए। थैंक यू।